तो जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू गाइस आर वेल। इस पे आप लोग मेरे हाथ देखें, इस पे लगे हुए हैं और इस पे नहीं लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ की चीज़ों को आम ही ले लिया था, क्योंकि मेरी जब शादी थी ना तो मैंने पॉलर से नेल लगवाए थे, लाइक उल्टे हाथ के मेरे खुद के थे। ऑफकोर्स हमेशा से ना मैं उल्टे हाथ के नेल बड़े करती हूँ, तो उल्टे हाथ के नेल मेरे खुद के थे और सीधे हाथ के मेरे आर्टिफिशियल थे। सीधे हाथ के इतनी दफ़ा उतरे थे कि बार बार लगाने पड़ रहे थे, तो मुझे लगा कि यहाँ की भी जो ग्लू है वो भी ऐसी होती होगी, तो मैंने ग्लू यूज़ किया है। यकीन करें ये उतर ही नहीं रही। यहाँ की नेल मैंने इतनी मुश्किल से उतारे हैं। ऑफकोर्स खाना बनाना था, रोटी बनानी थी, शेजल को डील करना था, इतनी मुश्किल से नेल उतरे मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने नमाज पढ़नी थी तो उतर ही नहीं रहे थे, बहुत मुश्किल से उतारे। अब इसके रह गए, ये भी उतारूंगी आज। मैं राइस बनाने लगी तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए छोटी सी रेमेडी भी बना लेती हूँ, जो कि मैं खुद पर्सनली यूज़ करती हूँ, और इससे बाल वो बहुत शॉर्टकट है। लाइक मैंने, जैसे कि आपको पता है, मैंने पिछली वीडियो में राइस एंड अनियन का पानी निकाल के उसको लगाने को कहा था, वो भी एक छोटा सा काम है कि जाओ और उसको बॉयल करो। तो आप लोगों ने सिर्फ इतना सा काम करना है, जब आपकी मामा किचन में जाएँ, चावल हर घर में चावल तो बनते रहते हैं, आप लोगों ने सिर्फ इतना सा काम करना है जब आपकी मामा चावल धो लें और जब वो पकाने लगे, तो ऑफकोर्स हम जो चावल का पानी है वो वेस्ट कर देते हैं, उसको आपने वेस्ट नहीं करना। आपने अपनी मामा से कहना है कि वो हमें दे दें। आपने उसका जो पानी है उसको साइड पे रख लेना और उसकी सी शावर में डाल देना। शावर को इतना महंगा नहीं आता। मुझे बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे, आप भी, हमारे पास शावर नहीं है, हम क्या करें? तो शावर नहीं है तो फिर आप ले हैं ना, थोड़ी सी तो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है खुद पर। तो शावर में वो पानी डाल लें आप और उसको आप फ्रिज में रख दें, 3 दिन आपका वो पानी निकल जाएगा, 3 से 4 दिन निकल जाएगा। तो आपने ना, जैसे लाइक खास तौर पर जो लड़के होते हैं वो तो बार बार कंघी करते हैं और वो पानी लगाते हैं बालों में और फिर कंघी करते हैं, तो अगर वही शावर आप करके कंघी कर ले तो ये लड़कों के लिए बेस्ट हो जाएगा। और लड़कियों के लिए मैं ये कहूँगी कि वो मुझे लड़कियाँ कहती हैं आप सीरम बता दें, तो जो अल्लाह ने जो चीज़ बनाई है ना उससे बेहतर कोई चीज़ नहीं हो सकती। हाँ, इंसानों ने जो बनाई है वो भी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन जो नेचुरल चीज़ें हैं उसकी क्या ही बात है। तो जो मैं हूँ ना, मैं नेचुरल चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कि ये सही है। तो आप लोगों ने ये करना है कि वो जो पानी है ना उसको शावर में डाल के फ्रिज में रख लें, तो इसको स्प्रे कर लिया करें अपने बालों में, उसकी कोई स्मेल नहीं आएगी आपके बालों में और ना ही आपको नहाने की ज़रूरत है। जस्ट लाइक वो एक पानी है, लेकिन वो आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है। कि मैंने पानी में ये डिप करके चावल रख दिए हैं, आप जब मैंने इसको पकाना है तो ये जो ये वाला पानी है ना इसको मैंने वेस्ट नहीं करना। या तो इससे फेस वॉश कर लें और या तो आप इसको अपनी बॉटल में डाल के फ्रिज में रख दें। इट इज़ सो गुड फॉर योर हेयर, फॉर योर स्किन। हमें आइडिया ही नहीं होता कि अल्लाह ताला ने हमारे इर्द गिर्द इतनी ज़्यादा चीज़ें बनाई हुई हैं जिसको हम इजीली ले रहे होते हैं। सो ये वाला पानी है। अब आपको आई होप आइडिया हो गया कि मैं किस पानी की बात कर रही हूँ। इस पानी में इतनी ज़्यादा, मतलब अल्लाह ताला ने नेमतें डाली हुई हैं इस चावलों में, हमें खा के मज़ा आता है। अगर हम इसको लगाएंगे तो हमें और ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। मैं आपके साथ सिर्फ वही चीज़ें शेयर करती हूँ जो मैं खुद आजमाती हूँ, ताकि कल को आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, ना कि मेरे बारे में कोई बुरी बात करें। सो ये जो चीज़ है बहुत फ़ायदेमंद है गर्ल्स के लिए और बहुत शॉर्टकट है। इससे ज़्यादा और शॉर्टकट मैं आपको नहीं बता सकती। तो ये देखिए, मैंने शावर में डाल ली है और अब को मैं फ्रिज में रख दूँगी और दैट्स इट। ना, जब मैं काम से फ्री होकर घर आती हूँ, मुंह हाथ धोती हूँ, उसके बाद मुंह पे क्रीम लगाती हूँ, पाँव पे लगाती हूँ, बाजू पे लगाती हूँ, फिर मैं रोलर लगाती हूँ, उसके बाद जो बालों के लिए ना वो मैं एक परफ्यूम करती हूँ, उसके बाद जो स्प्रे है वो करती हूँ। इसका सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा है, ना कोई स्मेल है ना कोई कुछ। हल्का सा पानी है, अपनी जड़ों में इसको स्प्रे करके ऐसे से कर लें, 2 मिनट में ड्राई हो जाएगा। अच्छा, मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर लूँ कि अगर आप लोग वो पानी को वेस्ट करने की बजाय सेव कर लेंगे, क्योंकि वो हमारे लिए ज़ाया होता है लेकिन हमें नहीं आइडिया होता कि हम क्या ज़ाया कर रहे हैं। और अगर आपके बाल लंबे हैं तो आप वो कहते हैं हमने पानी नहीं लगाना बालों में, तो वो जो पानी आप उससे हम फेस धो लें, लिटरली आपका फेस ग्लो करना शुरू हो जाएगा। क्योंकि हमारे घर में तो चावल बनते ही रहते हैं, लाइक आज खाना रोटी खाइए ना तो 2 दिन बाद तो चावल बनने ही हैं। तो अगर आप पानी वो सेव करते देंगे ना ज़ाया करने के बजाय, पानी का मतलब ये है कि जैसे हमने चावल ले लिया, फिर उसको धोया, फिर ज़ाया किया, धोया, फिर मतलब 3 पानी आई थिंक धोते हैं, मैं 3 से 4 पानी मैं धोती हूँ।
उसके बाद उसके अंदर पानी डाल के हम रख देते हैं, 10 से 15 मिनट बाद पकाते हैं राइस को। मैंने भी अभी ऐसे ही किया, आप लोगों से बात करने से पहले मैंने राइस रख दी है डिप करके, और जब 15 मिनट बाद उसको पकाना है मैंने, तो जिसको पानी है मैंने उसको शावर में डाल लेना और उसको मैंने फ्रिज में रख देना है। तो इतना ईजी है। मैं आपको छोटे छोटे हैक्स बताती हूँ, छोटे छोटे टिप्स बताती हूँ, ताकि जो लड़कियाँ हैं जिनके पास टाइम नहीं है लेकिन उनको अपनी केयर भी करनी है, उनके लिए उनको थोड़ा यू नो वैट अच्छा मिल जाए। छोटे से टिप्स से अगर किसी का फ़ायदा हो रहा है तो क्यों ना हम किसी का फ़ायदा करें। तो ये थी मेरी छोटी सी टिप, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जो कि मैंने नीचे वीडियो बनाई हुई है असाइनमेंट से रिलेटेड, उस पर मैंने आपको A to Z हर चीज़ बताई हुई है कि जी आप सिस्टर ये अकाउंट है उधर मैसेज करें, क्योंकि मैं इसको डील नहीं कर सकती। मेरे अपनी ज़िंदगी के हज़ार काम होते हैं, मैंने घर संभालना है, मैंने जॉब करनी है, मैं अपने यूट्यूब को टाइम देती हूँ, आपके लिए वीडियोज़ लेके आती हूँ अच्छी से अच्छी, तो मेरे पास टाइम नहीं है। मैं इंस्टाग्राम बहुत कम यूज़ करती हूँ, तो वो जो मेरी सिस्टर है वो आप लोगों की हेल्प करती है। मैंने उसको कहा था कि प्लीज़ आप मेरी मदद कर दें, जो मेरे फैंस होंगे, जो मेरे फॉलोअर्स होंगे, जो मेरे सब्सक्राइबर्स होंगे, आप उन अगर उन्होंने काम करना हो तो आप करवा उनकी हेल्प कर देना। वो जो मैंने वीडियो बनाई हुई है उसमें मैंने आईडी भी दी हुई है, आप प्लीज़ वहाँ जाके मैसेज कर लें, वो आपको रिप्लाई कर देंगी। मैं आपको कहूँगी थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए, और आप बस मुझे दुआ में याद रखा करें, मुझे आपकी सिर्फ दुआओं की ज़रूरत है और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपसे भी प्यार किया करें, अपने आप को भी टाइम दिया करें। और मुझे बहुत सारे लोग कह रहे थे आप ही अपनी बारात की वीडियो दिखा दें, अपनी वलीमे की दिखा दें, तो मैं सून वो अपलोड करूँगी, यहाँ पर यूट्यूब पर अपलोड करूँगी और आप देख लेना। सो या की वीडियो में मैंने अपना सनस्क्रीन दिखाई थी, शायद आधे लोगों को नहीं नज़र आई, तो ये सनस्क्रीन मैं यूज़ करती हूँ, और एलोवेरा जेल का भी कुछ लोग पूछे थे तो ये एलोवेरा जेल यूज़ करती हूँ मैं, और जो रोज़ वाटर का पूछे थे तो ये रोज़ वाटर यूज़ करती हूँ मैं। ये तीन चीज़ें थी जो आप लोग मुझसे पूछ रहे थे, तो मैंने कहा मैं वीडियो में दिखा दूँगी।